शिफ्ट वाइज कलेक्शन के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस चैप्टर से क्या क्या पूछे गए हैं और क्या क्या आ रहे हैं आपको, और लेवल इनका क्या है। कठिन के चक्कर में जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि देखिएगा ये क्या है। 19 सितंबर की शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से कुछ का कलेक्शन आपके सामने रखता हूँ, 15 क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया जैसे, तो है ए स्क्वायर माइनस 4a + 1 = 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा भाई ए स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख लेता हूँ बराबर में 4a। मैं दोनों तरफ a को अगर डिवाइड करूंगा तो अपने पास a प्लस 1/a की वैल्यू आएगी 4, और अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 4 है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की अगर वैल्यू कहता हूँ तो मैं 4 का वर्ग -2 यानी कि 16 में से अगर मैं 2 को घटा लूंगा तो अपने पास क्या बच जाएगा, 14। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 14 यानी कि 14, ठीक है, क्या बन जाएगा, 14। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, एज से क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा था, मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, 10 वर्ष के बाद 2.5 गुना हो जाएगी। तो अभी जो है वो पिता की आयु जो पुत्र की आयु का है 4 गुना है, यहाँ से 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद क्या होता है, 2.5 गुना रह जाएगी, 2.5 × 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसका, देखिए ये 2.5 ये 4 यानी कि 1.5 का डिफरेंस पड़ेगा। यहाँ पर इसके बाद इसका इसका गुणा करते हैं तो 2.5 × 10 = 25 और ये 10 अंतर पड़ेगा 15 का, 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 आई है, ध्यान से सुनना, तो 4 की क्या होगी 40 और इसकी रहेगी 10। आपसे पूछ रहा था तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो 10 साल है और पिता की वर्तमान आयु क्या है 40 साल, 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद ये 20 साल के होंगे, 10 वर्ष बाद ये जो है 50 साल के होंगे, तो 2.5 गुना हो जाएगी। यानी अभी जो पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु वो कितने वर्ष होगी, 10 वर्ष होगी। सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट आइए, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और ए बी सी मिलकर तीनों उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो मैंने एलसीएम यहीं पर ले लिया, टोटल एलसीएम 60, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब ए की कार्य क्षमता निकालिए तो 30 से विभाजित करेंगे 2 आएगी, बी की कार्य क्षमता की अगर मैं बात करूं तो 20 से डिवाइड करूंगा 3 आएगी, और जबकि मैं अगर तीनों की कार्य क्षमता की बात करता हूं तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगी। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं जिसमें ए और बी का काम 5 है, तो इसका मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है, सी एक दिन में। तो आपसे पूछ रहा था सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 काम को 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करना है, तो सी को 60 दिन ही लगेंगे बाबूजी। कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। ये दिया हुआ है और आपसे कह रहा है x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करिए, तो आपको सबको पता है कि अगर x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना हो तब जब x + 1/x का मान दिया हो तो इसमें लिखते हैं k³ - 3k। अब k क्या है, 8 का क्यूब होता है 512, 512 में 8 + 3 = 24 घटा देंगे तो 12 × 2 = 488 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करो, नंबर पर अपने पकड़ बनाओ तो चीजें बहुत सरल है। अगले सवाल पर बात करते हैं, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है और तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 24, 8 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ कि अपने पास ये एलसीएम 24 ही रहेगा, कितना रहेगा 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब मैं इसको 24 से डिवाइड करूंगा तो ए के एक दिन का काम आएगा 1, जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो बी के एक दिन का काम आएगा 3, और जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो तीनों के एक दिन का काम आ जाएगा कितना, 8, तीनों के एक दिन का काम, तीनों एक दिन में 8 काम करते हैं, ए और बी मिलकर 4 कर लेते हैं, तो सी के अकेले के एक दिन का काम होगा 4, और जो भी पैसा बटा है 800 रुपए, ये हमेशा क्षमता के अनुपात में बटता है जो कि कितनी है 1, 3 और 4, तो 1, 3, 4, 4, 4, 8, 8 का मान जो है 800 के बराबर है, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर हो। अब पूछ रहा था ए का हिस्सा क्या है, 1 यूनिट का ही मान पूछा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 100, तो ए का जो हिस्सा होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 100। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 5, 7 और 8, क्षेत्रफल निकालना है, 5, 7 और 8 त्रिभुज की भुजाएं देखकर पता चला विषमबाहु त्रिभुज है, और उसके लिए हमें सबसे पहले एस निकालना होता है, अर्ध परिमाप, 8, 7, 15, 5, 20, 20/2 का मतलब ये आ गया 10। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, SS - A, S
दस एस माइनस ए, दस माइनस पाँच पाँच, दस माइनस सात तीन, दस माइनस आठ दो। अब जरा देखना भाई, दस पचे पचास, पचास दूनी सौ, सौ का दस बाहर आ गया, अंदर रूट तीन बचा रहेगा, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा टेन रूट ऑफ थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर, टेन रूट ऑफ थ्री। ठीक, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13,000 मूलधन है, दर 5% है, समय 4 साल है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, पांचों को 20% का साधारण ब्याज मिलेगा 13,000 पर। 13,000 का जो 10% होता है 1,300 होता है, तो 20% की अगर बात करें तो 13 × 2600 आपका साधारण ब्याज होगा। बी सही जवाब होगा, कौन सा? बी। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2300, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 2πrh, ये 2310 दिया। आगे बात करते हैं, उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या, यानी कि अगर मैं बात करता हूं बेलन की, तो बेलन की जो त्रिज्या होती है वो यहां पे मिलती है, जो वृत्त शेप में आता है। तो आपको पता है कि वृत्त के लिए अगर त्रिज्या 7 होती है तो उसका परिमाप 44 होता है, और अगर त्रिज्या 3 गुनी यानी 21 हो गई है तो परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 132 हो जाएगा उस हिस्से का, हो जाएगा त्रिज्या 21 पर परिमाप 132 है, और परिमाप क्या होता है वृत्त का? 2πr, यानी इसकी वैल्यू 132 है। तो h आपको निकालना है 2310, डिवाइड कर लें कितनी बार जाएगा, h का मान आ जाएगा 35/2। ठीक, कितना आ जाएगा? 35/2, 35, 6, 7, ठीक है 7, हाँ ठीक है 35/2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr, और ब्रैकेट में क्या होता है? h प्लस आर। अब देखिए 2πr आपको पता है कितना है, 132। स्मार्टली हम लोगों को काम करना है, त्रिज्या भी पता है 21 और ऊंचाई भी पता हो गई कितनी, 35/2। इन चीजों को समझना है आपको, 21 दूनी 42 और 35 77, 77/2, 2 से इसको काटोगे 66, और यहां पर आपके पास 77 है। 77 × 66 इकाई में क्या मिल रहा है? बोले सर 2 मिल रहा है। कौन से ऑप्शन में इकाई में 2 है? बोले सर एक ही ऑप्शन में इकाई में 2 है, यानी गुणा करेंगे तो 5082 इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन ऐसे की जाती है। 0.87, 7 के ऊपर बार लिखा है तो 87 पूरा लिखिए, और जिसमें जिस संख्या में बार नहीं है उसको घटा लीजिए। अब जितने अंक पर बार है उतने 9 नीचे, और जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0। तो आपके पास इसमें जब घटाओगे तो ऊपर 79 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 90, यानी कि आंसर क्या बनेगा? 79/90। ठीक, चलिए सर अगले सवाल पर आते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल जो दिए हैं, 2, 3 है, इनके परिमाप क्या होंगे? बहुत सिंपल सी बात है, अगर जो वर्ग के क्षेत्रफल आपको दिए हैं, वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात, और अगर परिमाप के अनुपात आपसे पूछ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो आपको परिमाप के अनुपात निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही क्षेत्रफलों का रूट ले लेना होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बात है। तो आंसर क्या बनेगा भाई साहब? √2 और √3, यही आपका जवाब हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खत्म हुआ सवाल। नेक्स्ट कह रहा है, नीलम जो है क्या करती है? नीलम अपनी आय का 70% खर्च करती है, तो इसका मतलब 30% बचा रही होंगी, और 30% का मान क्या होता है? 3/10। यहां तक बात केवल मैंने पहली लाइन पढ़ के लिख दी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। उसके पास अभी भी 15,600 रुपया बचता है, यानी 3 का मान आपके पास 15,600 रुपया दिया है। तो भाई देखो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, यानी 1 यूनिट का मान 52,000 है, तो 10 का 5200 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 52,000। यानी जो पूछा है आय क्या थी, तो आप कहेंगे 52,000। ऑप्शन ए आंसर, खटाखट आंसर निकलेंगे। आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की परिधि क्या होगी? देखो आयत का अगर क्षेत्रफल बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि 77 × 50 है वो वृत्त के क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, 11 से 2 बार 11 से 7 बार मुझे दिख रहा है कि 7 × 7 यहां आ जाएगा, और ये कटेगा इससे 25 बार, यानी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या केवल 7 × 5 यानी कि 35 आ जाएगी। अब आपसे कह रहा है वृत्त की परिधि क्या होगी, मेरी बात को समझना। आपने ये पढ़ रखा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो उसकी परिधि 44 होती है, तो अगर वृत्त की त्रिज्या 35 होती है यानी कि कितने गुना? 5 गुना, तो परिधि भी उसका 5 गुना हो जाएगी। परिधि भी क्या होगी? 5 गुना, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20 यानी कि 220 होगी परिधि। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। लीजिए सवाल खत्म हो गया भाई। अगला सवाल,
मूलधन 30,000, दर 7% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका जो अनुपात होता है 2:1 होता है। 30,000 का अगर मैं 7% निकालता हूं तो 2100 होता है, और फिर 2100 का अगर मैं 7% निकाल लेता हूं तो 7 × 7 = 14, 147 होता है। इसका इसमें गुणा करना, इसका इसमें गुणा करना, दोनों को उठा के जोड़ देना, समझिएगा। तो ये हो जाएगा 4200 और ये 147। अगर मैं जोड़ूंगा तो अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 4347, यानी कि 4347 रुपए ही आ जाएगा। ठीक बात है, ऑप्शन इसका सी जवाब हो जाएगा। क्या होगा? सी आंसर। आइए अगले सवाल पर आते हैं। x माइनस वन अपॉन x का मान ये दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई मेरे भाई, अगर x माइनस वन अपॉन x का मान आपको 5 दिया है, तो यहां से आप x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी? 5 × 5 = 25 और 2 = 27 हो जाएगी। अब इसी का एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि पावर चाहिए आपको 4। तो इसी का मैं एक बार स्क्वायर कर देता हूं, तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729, और उसमें 2 घटा लेंगे तो अपना जो आंसर हो जाएगा कि x की घात 4 प्लस में 1 अपॉन x की घात 4 का मान 727। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट आते हैं, ये पूछ रहा है y का मान क्या होगा। तो y का मान, बाउंड्री का बाउंड्री से मल्टीप्लाई अंदर का अंदर से, तो अपने पास क्या मिलेगा? 10y बराबर में 16 × 36। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसका गुणा करके डिवाइड भी करता हूं तो भी इकाई का अंक 6 ही रहेगा, और इकाई का अंक जो 6 है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। मेरी बात समझे? अगर मैं ये 0 हटाकर यहाँ दशमलव लगा लेता हूँ और अभी भी गुणा करता तो इकाई का अंक तो 6 ही रहता, तो आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये कुछ बेहतरीन सवाल थे जो कि पेपर के शिफ्ट में आए हुए थे, जिनका कलेक्शन मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं आपको इनसे 2 चीज़ें बताना चाह रहा था कि पेपर में जो चीज़ें पूछी जा रही, कोई बहुत कठिन नहीं पूछी जा रही। 2-4-5 सवाल ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेशन होती है और बच्चा उसी में घबराता है कि अरे दादा ये कैलकुलेशन इतनी लंबी होगी, करेंगे कैसे, और सिम उसका समय लग जाता है। जैसे अभी एक सवाल आया था 2πr वाला। ठीक, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखते हुए काम करना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ रही है 2 क्वेश्चन लगभग, और एज के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन दोनों चैप्टर्स पर भी अपना फोकस रखें। मैं डेली आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ के साथ मिलता रहूँगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।